आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम इन संख्या पद्धति पार्ट थ्री। इसके पहले भी मैंने इसका दो पार्ट में बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट थ्री स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या करूंगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। देखिये, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, कहेंगे क्या दो क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना हो तो हमसे बीच वाली संख्या पूछे या सबसे छोटी वाली संख्या पूछे, कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन मैं आपको फिलहाल दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ी संख्या पूछ रहे हैं और बीच वाली संख्या पूछ रहे हैं, मैं और भी क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे छोटी संख्या क्या होगी अगर तीन क्रमांकित दे दिए या पांच। देखिए, यहाँ भी यहाँ चार क्रमांकित है या पांच क्रमांकित दे दिया, तो इनका पूछे क्या, इनमें बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछे, मैं और भी क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। देखिए, और इस टाइप के क्वेश्चन भी क्या हमसे एग्जाम में पूछे हैं, एसएससी के सीजीएल में पूछे 2012 में, मैं और को भी क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, ये भी हमारे सामने क्वेश्चन है और ये भी हमारे क्या है, एग्जाम में ही पूछे हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे। सबसे पहले पॉइंट ये है कि हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो है दो संख्याओं या तीन क्रमांकित संख्याओं या पांच क्रमांकित संख्याओं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां भी देखने को मिल जाएंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। एक चैप्टर अलग से है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, कह सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, यानी वहां भी क्या होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब फिलहाल जैसे दिया क्या क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या कह रहे हैं, तीन क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना, 87 दिया है, तो हमसे पूछा क्या, बीच वाली यानी मध्य वाली संख्या पूछा है। तो इसके लिए सबसे फास्ट ट्रिक ये है, आप करिए कि अगर ये तीन संख्याओं का योग दिया है ना, आप इसमें तीन से भाग देंगे, जैसे इसमें तीन से भाग देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगी, मध्य वाली संख्या पता चल, तीन दुना छह और तीन नवा 27, ये जो हमारी आ गई, ये हमारी मध्य वाली संख्या पता चली, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 29 आ गया, यानी ये हमारा क्या आ गया, बीच वाली संख्या पता चली। तीन संख्याएं रही होंगी, इसके पहले एक रही होगी और इसके बाद वाली, यानी तीनों क्या रही होंगी, क्रमांकित है ना, ये तीनों क्रमांकित रही। अगर इससे पहले पूछी जाए तो इससे पहली संख्या क्या रहेगी, 28 हो जाएगी, और इससे बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। कह सकते हैं, ये भी तो हम कह सकते हैं, यानी तीनों संख्याओं ये सबसे छोटी है ना, यानी सबसे छोटी की बात करें तो हमारा ये हो जाएगा, और सबसे बड़ी की बात करें तो हमारी कौन सी हो जाएगी, ये छोटी संख्या हो गई। अगर बड़ी संख्या की बात करें तो हमारी ये क्या हो जाएगी, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर मध्य वाली संख्या की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मध्य हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये क्रमागत समसंख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जैसे प्राकृतिक संख्या ये होती है कि 1, 2, 3, 4, 5, और ये क्या समसंख्या ये होती है, और विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इस तरह होती कि नहीं। तो क्रमागत मतलब अगर पांच है तो पांच, जैसे एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया, इस तरह क्रमांकित है कि नहीं, पांच के बाद क्या आएगा, छह आएगा। और इसमें भी अगर क्रमांकित की बात की जाए तो छह के बाद आठ आया, आठ के बाद कितना आएगा, दस आएगा। इसमें भी क्रमांकित की बात की जाए तो ये नहीं सारी विषम है ना, तो इसके बाद वाली विषम संख्या क्या आएगी, हमारी ग्यारह आएगी, ऐसे ही क्या है। चलिए अब देखिए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तेजी से। देखिए क्या कह रहे हैं, तीन क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 27 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम लोग इसमें तीन से भाग दे दिया जाए, अगर जैसे तीन से भाग देंगे तो हमको मध्य वाली संख्या पता चल जाएगी, यानी अगर ये 9 बीच में रहा होगा तो इससे पहले एक संख्या रहेगी और इससे बाद, तो बड़ी संख्या पूछा है तो इसके बाद संख्या कौन सी आएगी, हमारी 10 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब देखिए यहाँ पे विषम के ऊपर तो प्राकृतिक प्राकृतिक थी, यहाँ पे क्या है विषम संख्या है, तो अभी मैं आपको पहले ही बता चुका विषम संख्या क्या होती है क्रमागत। तो अभी अगर तीन क्रमागत संख्या होगा ना, तो आप इसमें तीन से भाग देंगे, जैसे तीन से भाग देंगे तो पूछा क्या है, अब इसमें तीन से भाग दे 147, आप डायरेक्ट भी कर सकती हैं, भाग रख सकते हैं, तो तीन तीन चौको 12 और तीन नवा 27। तो हमसे पूछा क्या, बीच वाली संख्या ना या मध्य वाली संख्या पूछे, तो यही तो हमारा होगा ना, जैसे भाग देंगे तीन से तो हमारी बीच वाली संख्या आ जाएगी, तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, इस बार इन्होंने क्या ले लिया, क्रमागत सम संख्याएं ले ली है ना, कह रहे हैं तीन क्रमांकित सम संख्याओं का योग कितना, 24 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जैसे हम लोग इसमें तीन है, अगर तीन से भाग दिया जाए तो 3 8 24, अगर ये मध्य वाली आ गई, इससे पहले और इसके बाद तो एक संख्या रहेगी नहीं रहेगी, तो छोटी वाली पूछा है तो ये क्या सम संख्या है ना, तो इससे पहले सम संख्या क्या रहेगी, छोटी, तो इससे पहले सम संख्या 6 रहेगी, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इसके बड़ी संख्या पूछते तो इसके बाद सम संख्या क्या आएगी, 8 के बाद 10 आएगी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, डी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। जैसे हम लोग इसमें चार से भाग देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, अब इस बार मध्य वाली संख्या पता चलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये चार संख्या है ना, अगर जैसे को जैसे चार से भाग दें तो 4 5 20 हो जाएगा। अगर ये मध्य वाली संख्या ले लेंगे तो इसके इधर एक रहेगी और एक इधर रही होगी, तो क्या होगा, हमारी चार ही संख्या है तो, है ना, तो 3 हो गई। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिख नहीं पाएंगे। वैसे भी एक कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो ये सारी सम संख्या है ना, तो ये विषम संख्या आएगी ना, तो इससे पहले वाली सम संख्या लेंगे तो सम देखिए चार संख्याएं रही होंगी, तो इससे पहले सम संख्या क्या रहेगी, चार रही होगी, और इसके बाद वाली सम संख्या, इससे बाद वाली सम संख्या क्या आएगी हमारी, 8 आएगी, और इसके पहले वाली सम संख्या क्या होगी। अब देखिए चार संख्या है हमारे पास, हो गई सम संख्या है। तो पूछा कि हमसे सबसे बड़ी संख्या ना, तो हम लोग ये बेवजह नहीं लिखेंगे, ये सारे को नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट अगर बड़ी संख्या लिखा है तो हम इसके बाद वाले 6 के बाद हम क्या लिख लेंगे, डायरेक्ट 8 लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने आपको ये समझाने के लिए बस किया, लेकिन आप करेंगे क्या, आप डायरेक्ट करेंगे 6 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 8 आएगा, इससे आपकी क्या हो जाएगी, कुछ टाइमिंग बचत हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखा जाए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर ये पांच संख्या है तो आप इसमें कितने से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, आप इसे सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, यानी इसमें बड़ी संख्या क्या होगी, आप इसे सॉल्व करके बताइएगा मुझे, देख ही लिया जाए। अगर आप इसमें 5 से भाग देंगे तो हमको क्या मध्य वाली संख्या पता चलेगी, तो 5 1 5 5 हो जाएगा, यानी ये मध्य वाली संख्या पता चल गई। इसके बाद रहेंगी 2 संख्याएं और 2 संख्याएं इससे पहले रहेगी। तो पूछा क्या सबसे बड़ी ना, तो हम लोग क्रमागत है ना ये, और ये क्या है विषम संख्याएं हैं, तो इसके बाद विषम संख्या क्या आएगी, 13 आएगी, और इसके बाद वाली विषम संख्या क्या आएगी हमारी, क्या आएगी इसके बाद, देखिए ये 5 क्रमागत विषम संख्या है ना, तो हम लोग विषम संख्या ही लेंगे, ये विषम होंगे। अब इसके बाद विषम संख्या क्या आएगी हमारी, 15 आएगी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो हमारा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहे 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या, पीछे वाले में क्या था, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग था, अब यहाँ पे क्या दिया, इस बारे में सम संख्या दे दिया, सम संख्याओं का योग दिया, तो हमसे पूछा क्या सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो आप इसे सॉल्व करके बताइएगा। पीछे वाला तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आप इसे सॉल्व करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आ रहा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग कितना, 54 है, तो इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। अगर देखिए ये 3 क्रमागत सम संख्या है ना, आप इसमें 3 से भाग देंगे, जैसे 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग दिया, और देखिए क्वेश्चन आपको पूछा भी है, 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगी, मध्य वाली संख्या पता चल जाएगी, 3 2 3 1 3 2 इधर गया, 3 8 24। अगर ये मध्य वाली संख्या आ गई तो इससे पहले रहेगी इसके बाद वाली संख्या, तो पूछा क्या छोटा पूर्णांक ना, तो इसके पहले हम लोग चलते हैं, तो इससे पहले क्या मिल जाएगी सम संख्या हमको, सम संख्या है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और मैंने आपको इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में दिए, मैंने आपको वही सॉल्व कराने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड जितने भी हो सकते हैं। लेकिन अब एक बात और है, अब हम लोग थोड़ा सा लेवल हम लोग हाई जा रहे हैं, यानी जितने भी थे अब नॉर्मल थे उसी टाइप के रहेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर ये कंडीशन ये कि 3 से विभाजित होने वाली ना, और कितनी संख्या है ये 3, तो सबसे पहले आप इसमें 3 से भाग दें तो मध्य वाली संख्या पता चल जाएगी, तो 3 से इसमें भाग दे, 3 2 6 हो जाएगा, और 3 चौक को 12। अगर ये मध्य वाली संख्या पता चल गई तो 3 ही संख्याएं रही होंगी ना, तो 3 संख्याएं रहेंगी, एक इसके पहले रहेगी और इसके बाद, तो पूछा क्या बड़ी संख्या ना, और बड़ी संख्या इसके बाद क्या आएगी, और कंडीशन है कि वो 3 से क्या हो विभाजित हो, तो 3 8 24 और 3 9 27, यानी कौन सी संख्या होगी वो, 27। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ये सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका क्या हो योगफल कितना दिया है, 15 दिया है। तो क्या दिया, अगर ये योगफल दिया तो इसमें 3 से अगर भाग दिया तो मध्य वाली संख्या पता चल जाएगी, तो आप इसमें 15 से भाग देंगे 3 से, तो ये क्या मध्य वाली संख्या पता चलेगी, तो कह सकते 3 5 15,
अगर ये मध्य वाली संख्या आ गई तो इससे पहले एक संख्या रहेगी और ये क्रमागत संख्या है ना, क्रमागत है तो इसके पहले चार रहेगी और इसके बाद क्या आएगी हमारी छह आएगी। अब इनका क्या करना है आपको, गुणा करना है, आपको क्या आ जाएगा आंसर आएगा। इसका करेंगे चार पच्चे बीस आ जाएगा, इसका करेंगे छह दुना बारह, यानी कितना आंसर आ गया इसका 120। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, हम देख रहे हैं हमारा पहला ऑप्शन क्या है मैच कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना हो क्या होगा जिनके वर्गों का क्या दिया है अंतर 84 है। तो ऐसे सवालों को आप लगाने के लिए क्या करेंगे, ट्रिक आपकी ये बनेगी, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर इसको देखिएगा। जब भी अगर ये योग दिया है ना, जिनके वर्गों का अंतर इतना दिया है, तो आप इसमें करिए क्या, आप इसमें दो से भाग दे दीजिए। जैसे आप इसमें दो से भाग देंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो दो चौको आठ और दो दुना चार, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बट अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक करिए, चेक करने का मतलब मैं आपको बता रहा हूं अभी, चेक करिए वो दो संख्याएं क्या रही होंगी। जैसे अगर ये दो संख्याओं का योग होगा और दोनों सम संख्याएं होंगी, मैं इसमें से दो घटा के अगर उसका आधा आधा कर दूं तो 20 और 20 मिलेगा, यानी पहली संख्या क्या रहेगी 20 रहेगी, जो घटाया था मैंने अगली वाली में 20 जोड़ दिया। तो देखिए ये है कि नहीं, कह रहे अभी दो संख्याएं तो पता चल गई, कह रहे इनके वर्गों का योग कितना दिया है 84 दिया। देखिए क्या हमारा मैच कर रहा, सही आ रहा है क्या। जब आप इसका वर्ग करेंगे तो 400 मिल जाएगा और इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, ये 484 इसका वर्ग होता है। जब आप यहां से यहां वर्ग करेंगे सॉरी अंतर करेंगे तो कितना मिल जाएगा अंतर आपको 84। अर्थात जो हमारा क्वेश्चन लगा है ये हमारा क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और ये पूछा कहां हमारा एमटीएस में पूछा 2015 में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, इतना है तो ये संख्याएं हैं। कह रहा दो संख्याओं तो रही होंगी जिनके वर्गों का योग कितना दिया है, इतना दिया है, तो आप वो संख्याएं कौन सी रही होंगी। अगर वो सम में रही तो मैंने भाग दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फर्क है, लेकिन यहाँ पे वर्गों का योग दे दिया संख्याओं का ऊपर वाले क्वेश्चन में, और इसमें फर्क है। क्यों फर्क है कि नहीं है, देखिए फर्क है। तो चलिए हम इसको कैसे लगाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे सवालों को हम क्या कर देंगे ऑप्शन से ही लगाएंगे, यानी ऑप्शन से लगाएंगे। तो क्या करेंगे, अगर दो संख्याएं यही कोई में इन्हीं कोई में से दो संख्याएं रहेंगी जिनका वर्ग किया जाए तो क्या मिलना चाहिए हमको, ये 61 मिलना चाहिए। अगर मैं मान लो अगर इसका वर्ग करिए तो कितना मिल जाएगा, इनका वर्ग करके इनका योग किया जाए तो कितना मिलना चाहिए 61 मिलना चाहिए। आप इसका वर्ग करेंगे 16 मिल जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे कितना मिल जाएगा ये 25। अगर आप इसको जोड़िए तो 16 मिलेगा क्या, सॉरी 61 मिलेगा, 1 6 5 11 2 1 3 1 4 41 मिल गया। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला देखा जाए ऑप्शन, अगर आप इनका इनका वर्क करें कितना जाएगा 25 हो जाएगा, आप इनका वर्क करें तो कितना आ जाएगा 6 6 36। तो देखिए आप इनको इनको जोड़िए कितना जाएगा, ये इनको और इनको जोड़ेंगे कितना जाएगा ये, यानी 6 5 11 और ये कितना हो जाएगा 5 1 3 2 5 हो जाएगा, तो कितना जाएगा ये 6। यानी ये संख्याएं क्या आ गई, ये हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब आपके प्रश्न ये सामने हो सकता है, अगर इनका भी वर्क किया जाए तो योग किया जाए तो कितना मिल जाए हमको 61 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब आप इनका वर्क करेंगे इनका क्या हो जाएगा, सॉरी चेक कर लिया, इनका मिलेगा यही 6 6 36 है, साइन तो प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया 25 हो गया। देखिए अब ये होगा कि नहीं, लेकिन हमसे पूछा क्या क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं माइनस में थोड़ी ना होती है, जब भी माइनस मिलेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, वो कह सकते हैं क्या ऋण पूर्णांक होती है ना, वो ऋण पूर्णांक होती है, तो ये संख्याएं हम इसको नहीं लेंगे। तो हमारा बी ऑप्शन इसका क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्या कह रहे हैं, छह क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहले तीन संख्याओं का योग कितना है 27 है, तो शेष तीन संख्याओं का योग कितना होगा। इन्होंने कहा कि अगर छह क्रमागत संख्याएं रही होंगी, जैसे ये हो गया ये हो गया ये हो गया, यानी 3 6, कह रहे हैं इन तीन संख्याओं का योग, यानी इन तीन संख्याओं का योग कितना गया 27 दे रहे हैं। तो पूछा कि इन तीन संख्याओं का योग कितना होगा, और संख्याएं क्रमागत है, अगर ये क्रमागत तीन संख्याओं का योग है तो मैं अगर इसमें 3 से भाग दूं तो हम लोग जो पीछे किए हैं वो मध्य वाली वैल्यू पता चल जाएगी 3 9 27। अगर मध्य वाली वैल्यू 9 है तो इसके आगे 10 होगा, 11 होगा, ये 12 होगा और ये 13 होगा, प्राकृतिक संख्या है। तो अब इनको इनको जोड़ी दी कितना मिल जाएगा 3 2 5 1 6 हो गया और 2 1 3 हो जाएगा, यानी वो उसका अंतिम तीन संख्याओं का योग कितना आएगा हमारे पास 36। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहे हैं, यदि पांच क्रमिक या क्रमागत पूर्णांकों का योग एस है, यस हो तो
उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप से संबंधित है, और ये पूछा भी क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्या करेंगे, अगर ये पूछा एस से किस प्रकार संबंधित है, अगर मैं कह दूं पांच क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है, अगर मैं कह दूं 80 है या 90 है, तो आप 5 से इसमें भाग देते थे कि नहीं देते थे, पीछे 5 से आप इसमें क्या करते थे, पीछे भाग देते थे। लेकिन यहाँ पे यस है तो यहाँ भी तो यस से मैं भाग दिया जाएगा, नहीं 5 से, यस में क्या किया जाएगा, 5 से अगर भाग दें, ये हमारा यस है। फिर अगली अगला क्रमांक ना, यानी इसके पहले क्या रहेगा, कितनी 5 संख्या इसके पहले तो रही होंगी और इसके बाद वाली, अगर बाद वाला किया जाए तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है तो सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा तो हम लोग आगे की साइड बढ़ेंगे, यानी यहाँ पे भी आगे एक जोड़ा गया होगा, फिर एक जोड़ा गया, अर्थात कुल कितना बढ़ा हो गया, दो बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ये कह सकते हैं एस 5 + 2 करिए तो ये कितना, 5 × 2 = 10, एस प्लस कितना, ये हमारा एस है 10/5, यानी किस रूप से संबंधित होगा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, यानी इसका कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन सही हो, चूंकि ये बटेज अगर 5 संख्या है तो 4 तो होगा नहीं, ये दो ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो गए और ये माइनस में तो होगा नहीं, तो हमारे पास बचा क्या, यही बचा ना,